पंचायतों का काम करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों ने इतने कम समय में 3 महीने के अंतर्गत में आपने 90% काम करके दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सरकार की योजनाओं को इतनी जल्दी आप जमीन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, ये योजना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये इसलिए छोटी योजना नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के संस्कृति से जुड़ी हुई योजना है। आज अगर हम बात करते हैं भारत की संस्कृति की, तो ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जो लुप्त हो गई और बहुत ही कुछ कम कलाएं हैं जो आज आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और अगर वो देखने को भी मिल रही हैं तो बहुत ही शायद कम समय होगा उनको हमें बचा के रखने के लिए। फिर वो कैसी भी कला हो, चाहे वो तुम्हारी दलिया बनाने की कला हो, चाहे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का सामान, या फिर बहुत सी अच्छी अच्छी कलाएं हैं हमारे यहाँ पे। अगर आज आप पहले जमाने के मंदिर देखेंगे तो पूरे विश्व, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आपको भारत से जितने सुंदर मंदिर दिखाई नहीं पड़ेंगे। उनपे जो आकृतियां बनाई गई हैं, उन पर जो काम किया गया है, इतना सुंदर आपको काम कहीं नहीं मिलेगा। हमारे जो आज भी हमारी जो क्या बोलते हैं, पुराने महल जो हैं, हमें निकलते हैं खंडर पड़े हुए हैं बेसिकली। आज हम उनको इतना महत्व नहीं देते, लेकिन उतना अच्छा काम पूरे विश्व में उस टाइम के जो महल बनाए जाते थे, उस टाइम का जो काम किया जाता था, वो आपको आज भी कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी भारत की ताकत है, लेकिन क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाहर के संस्कारों से प्रभावित हो रहे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, और इन सब के चलते जो हमारी मूल संस्कृति है, हम उसे भूलते जा रहे हैं दिन ब दिन। और इन्हीं सब चीजों को बचाने का एक प्रयास हमारी सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रयास हमारी सरकार जो कर रही है वो ये है कि हम ऐसी जिन चीजों को हमने इसमें लिया है, इन कलाओं को या जो लोग कर रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं बहुत छोटा समझते हैं, और शायद वो जो काम कर रहा है उस कला का, उसको हम भी ऐसा एहसास दिला देते हैं कि भाई तू बहुत छोटा काम कर रहा है, और ये हकीकत है। और जब हम इस हकीकत से रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो उस काम को करना नहीं चाहती। या हमारी मूर्तिकार का काम होता है, क्योंकि अगर हम आज हमारी शिवपुरी जिले की बात करें तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम हमारी शिवपुरी में होते हैं।